हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी क्रिएशन। आज हम करने वाले हैं इस साड़ी का रीयूज़। तो देखिए इसमें किस तरह से एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। जो पल्ला वाला साइड है ये पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है। जहाँ पे प्लीट्स आती हैं वहाँ पे हाफ हाफ एम्ब्रॉयडरी है, नीचे की साइड एम्ब्रॉयडरी है। यहीं से हम गाउन का घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं वन पीस गाउन बनाऊँगी और जो आगे एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इससे मैं चोली बनाऊँगी और स्लीव बनाऊँगी। तो जहाँ से ये एम्ब्रॉयडरी हाफ हाफ हो रही है यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसे मैंने अलग अलग कर लिया है। जो आगे वाला पार्ट है इससे भी मैं इसकी स्लीव्स बनाऊंगी। लाइनिंग मैंने दो तरह की ली है। ये मैंने चोली के लिए लाइनिंग ली है, ये देखिए, और ये मैंने क्रेप की लाइनिंग ली है नीचे घेरे के लिए, क्योंकि जब घेरा होता है ना तो क्रेप की लाइनिंग सही रहती है, इससे अच्छे से घेरा आता है। अब हम ले लिए ये चोली के लिए लाइनिंग। मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ ले ली है 17 इंच, जो कि हमारी 16 इंच रेडी रहेगी। ऊपर से मैं तीरे का निशान लगाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 7 इंच और उसके साथ मैंने मार्जिन भी ले लिया है। यहाँ से हम लगाएंगे 7.5 इंच पर निशान आर्म होल के लिए और इसी लाइन पे मैं यहाँ पे आगे लाइन बढ़ा लूँगी। ये हमारी ब्रेस्ट लाइन हो जाएगी। तो हमारी है ब्रेस्ट 42 इंच। इसका हम 4 पार्ट निकालेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप अगर लूज पहनते हैं तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं और बाकी का हमारा ये मार्जिन आ जाएगा। मैंने शेप भी कर दी है। यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा ना पीछे से, ये हम जोड़ लगा लेंगे। अब हम नीचे से शेप करेंगे। तो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया और इस तरह से शेप कर दी है। इस तरह से बहुत अच्छी शेप आती है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डॉट का निशान। तो यहाँ पे आप 11 से 11.5 ले सकते हैं इस साइज़ के लिए। और विड्थ के लिए मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से हम सीधा मिला देंगे। अब अंदर की साइड हम एक लाइन लगा लेंगे आर्मोल की शेप के लिए। तो ये हमारी फ्रंट की शेप हो जाएगी। इसे हम कट बाद में करेंगे जोड़ लगाने के बाद। तो ये मैंने इसलिए निशान लगाया है, जैसे हम ब्लाउज़ के लिए निशान लेते हैं ना डॉट का, उसी तरह से हम यहाँ पे ये प्रिंसेस स्कर्ट बना लेंगे। अगर हम डॉट की जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसे ज़रूर बताऊँगी। अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर वाली डॉट लगा ली है और ये नीचे वाली। इसके जो सेंटर में मार्क आया है प्रिंसेस स्कर्ट का, यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सिलाई में लेंगे। अब मैं नेक की लेंथ और वेथ भी ले लूँगी और शोल्डर हमें थोड़ा सा डाउन कर लेना है क्योंकि बैक नेक छोटा सही है। अभी देखिए मैंने आर्मोल की भी कटिंग कर दी है। तो जो ऊपर से कपड़ा निकला है ना इसे ही हम नीचे की तरफ इस तरह से अटैच कर देंगे और इसमें जोड़ लगा लेंगे। ये इधर से फोल्ड था तो इसे ही मैंने कट कर दिया। अब मैंने देखिए ये इसी के साथ का मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है, दोनों पीसेस को कट कर लिया है। इसमें जोड़ भी लगा लिया है, दोनों तरफ मार्क कर लिया है। ये हमारी चोली रेडी हो गई है। स्लीव के लिए एक तरफ बॉर्डर आ रहा था तो दूसरी तरफ के लिए मैंने ये सेंटर में जोड़ लगा लिया है इस तरह से। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। तो ये है हमारा 4 फोल्ड। जितना भी कपड़ा था मैंने इसे 4 फोल्ड में मोड़ लिया है। अब इसकी हमें 12 कलियाँ कट करनी है। तो इसे मैं आधा एक बार फोल्ड करूँगी और आधा एक बार फोल्ड करूँगी, तो ये हमारी हो जाएंगी टोटल 12 कलियाँ। अब हमें इसमें कमर का निशान लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसका सेंटर पॉइंट निकालूंगी। इसकी विड्थ टोटल 10 इंच है। अच्छा, हमारी कमर है 34 इंच, तो इसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड सिलाई में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सिर्फ हमें कलियाँ नहीं लेनी है, साइड में सिलाई का लेना है। ये हो गया 36 इंच। इसकी हमें 12 कलियाँ निकालनी हैं, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3 इंच। कलियों को जोड़ने के लिए हम दोनों साइड आधा आधा इंच ले लेंगे, तो टोटल हो गया 4 इंच। दोनों साइड मैंने 2-2 इंच ले लिया है और इसे हम इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे जहाँ तक हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से ये हमें इसे कट कर लेना है। कलियों की लेंथ के लिए आप टोटल लेंथ में से चोली की लेंथ को माइनस कर दीजिए। तो ये मैंने सारा ही ले लिया है। हमारी कलियों की कटिंग भी हो गई है। देखिए खोलने के बाद ये पूरा एक ही पीस रहेगा, ये हमारा बंद कली का है। तो इस तरह से जो बराबर बराबर की कलियाँ हैं उन्हीं में हमें इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। तो ये हमारी कलियाँ बन जाएंगी। और जहाँ से ये जोड़ ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ से हमें थोड़ा सिलाई में ज़्यादा लेना है ताकि ये शेप आ सके, और नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी में हमें कम सिलाई में लेना है। अब हम आ गए हैं मशीन पर। मैं एक आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने बराबर की 2 कलियाँ ली हैं और ऊपर से 1/2 इंच ही मैंने मार्जिन लिया है। बस इसी तरह से कली को पकड़ते हुए हमें इसे स्टिच कर देना है। और जहाँ पर हमारा ये जोड़ ख़त्म हो रहा है यहाँ से हमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेना है। नीचे से हम चाहे तो जितनी भी हमारी कलियाँ ना नीचे से निशान भी लगा सकते हैं। अब धीरे धीरे हम मार्जिन कम कर देंगे क्योंकि उसी से हमारा घेर ज़्यादा होगा। नीचे हमें कट तो लगा नहीं रखा तो इसलिए हम कम मार्जिन भी ले सकते हैं। यहाँ पे एंड तक मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके बराबर वाली कली ले लूँगी और इसे भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। सारी कलियों को हम जोड़ लेते हैं
अब यहाँ पे मैंने ले लिया है चोली का पार्ट, तो इसे मैंने पिन अप कर लिया है सारे तरफ से और इसे हम कच्चा कर लेंगे। चाहे तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं ग्लू ग्रेन की हेल्प से, या फिर फैब्रिक ग्लू आता है उससे भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा हमें रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग ही प्रेफर करती हूँ। इसमें स्टिचिंग के बाद हमें इसमें डॉट डाल लेनी है। अब हम जब फ्रंट की डॉट डालेंगे तो जो प्रिंसेस कट का निशान है ना, इसी पे हमें एक स्टिच लगा लेनी है। इसे हमें बड़ा बखिया लगा कर करना है क्योंकि ये कच्चा है, आप चाहें तो बाद में इसे उधेड़ भी सकते हैं। अब जब हम इसमें प्लेट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, तो जैसे हम नॉर्मल डॉट लगाते हैं ना सेंटर वाली, वहीं तक हमें डॉट लगाना है। और जहाँ तक जो बीच में सेंटर का निशान है, जो हमारा बिल्कुल भी दबाव नहीं आ रहा कपड़ा, वहाँ पर हम बिल्कुल पॉइंट के बराबर हमें कपड़ा लेना है। और जो ऊपर की डॉट है उसे हमें उतना ही लेना है जितना नॉर्मल डॉट रहती है ब्लाउज़ में। देखिए इस तरह से, इस तरह से बहुत अच्छी फिटिंग आएगी क्योंकि जो हमारी डॉट है हमने उसी हिसाब से ली है। दूसरी भी हमें इसी तरह से डॉट लगा लेनी है। अब हम बनाएंगे इसका नेक। तो इसका नेक मैंने थोड़ा सा ब्रॉड लिया है और इसे मैंने 5 से 5.5 इंच मैंने फ्रंट का नेक लिया है, और पीछे का मैंने थोड़ा छोटा ही नेक रखा था। पीछे का नेक भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये जो डोरी पाइपिंग थी ये साड़ी में ही लगी हुई थी किनारे पर, इसे ही मैंने निकाल लिया है। और जो ये इसका कपड़ा है पीछे की तरफ करके हम इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। ये डोरी पाइपिंग की तरह ही बनी हुई है। देखिए मैंने दूसरा नेक भी तैयार कर लिया है। अब हम इसका शोल्डर भी जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद हमें इसमें स्लीव लगानी है। तो स्लीव भी मैंने तैयार कर रखी है, इसे भी अटैच कर लिया है। ये देखिए हमारे चोली भी रेडी हो गया है और जो हमने कलियाँ डाली थी हमारा घेरा भी रेडी है। घेरे के नीचे जो लाइनिंग थी उसे भी मैंने कट कर लिया है। इसका भी हमने एक घेरा बना लिया है पेटीकोट की तरह। तो इसका अरज बहुत ज़्यादा था, ऊपर से जो कपड़ा निकला उसे मैंने बीच में पैनल की तरह लगा लिया और 4 कली का पेटीकोट काट लिया है। ये देखिए अब हम इसमें अटैच करेंगे चोली को। तो चोली की जो कमर है और जो घेरे की कमर है ये एक बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसे नाप लेंगे और इसे अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सेंटर पॉइंट निकाल लिया है चोली का, एक पार्ट मैंने ले लिया है और इसमें जो हमारी 6 कलियाँ हैं इसके सेंटर में हम ले लेते हैं, हमारे 3 कली में ही सेंटर आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने मार्क लगा लिया है। अब इसका सेंटर हम रखेंगे चोली का मिलाकर और इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। अगर ये थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो हम कलियों को कम ज़्यादा दबाव में ले सकते हैं। इस तरह से हमने ये चोली को अटैच कर दिया है। दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से अटैच कर देना है। मैंने दोनों साइड की चोली को अटैच कर दिया है और अब मैंने साइड की सिलाई के लिए जो जितना मार्जिन लिया था उतना मैंने निशान लगा लिया है। तो हम यहाँ पे से बॉटम का जितना मार्जिन था उतना लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, ऊपर जितना मार्जिन है एक साइड तो हम जिप लगाएंगे और जो दूसरी साइड है उसमें हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चोली तक इसे स्टिच किया है। जो नीचे का घेरा है पूरा हमें नीचे अलग अलग चाहिए, तो इसमें मैं पहले निशान लगा लूँगी हमारा जितना मार्जिन है। पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे, जहाँ से मैंने स्टिच छोड़ी थी ना वहीं से सिलाई लगाना शुरू किया है। और इसे मैं साइड में नीचे तक कली हमारी जुड़ी हुई थी तो इसे मैं नीचे तक यहीं तक स्टिच करूँगी। अब ऊपर से मैंने जहाँ से सिलाई छोड़ी थी वहीं से शुरू किया है और यहाँ पे से मैंने मेन फैब्रिक को अंदर कर दिया और सिर्फ लाइनिंग पे ही मैंने स्टिच लगाई है। इस तरह से घेरा हमारा दोनों अलग अलग रहेंगे, नीचे तक मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब हम लगाएंगे दूसरी तरफ जिप। तो जहाँ पर हमें जिप लगानी है वहाँ पर तक हम मार्क कर लेंगे। इस जो घेरा है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया है। ऊपर जहाँ से हमारी चैन लगानी शुरू होगी वहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे भी निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है और नीचे से घेरा सिलना शुरू कर दिया है। जहाँ तक हमारी चैन आएगी उसके बाद से नीचे तक हम इसे स्टिच कर लेंगे क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है। नीचे से मैंने पूरा गोल नहीं बनाया था कलियों को जोड़कर, दूसरी साइड है ये। अब जब हम ऊपर का ये लाइनिंग स्टिच करेंगे इसे भी हमें उसी तरह से स्टिच करना है। वहीं से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है जहाँ तक हमारी जिप आएगी और इसे भी हम अलग अलग कर देंगे। मेन फैब्रिक को अंदर कर लिया और यहाँ से मैं लाइनिंग को स्टिच कर लूँगी नीचे तक। यह हमारा साइड हमारा लग गया है। अब जहाँ से हमें चैन लगाना है वहाँ पे से थोड़ा सा स्पेस खुला रह गया है तो जिप को मैंने उल्टा रखा है क्योंकि ये अंदर की तरफ सीधा है। और इस तरह से मैं इसकी साइड को स्टिच कर लूँगी। यहाँ से
हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। इसका जो रनर है ना, इसे हम स्टिच करते हुए ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो हमारी सुई है वो डैमेज ना हो। एक साइड की जिप लग गई है, ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी जिप लग गई है, ये देखिए हमारा गाउन बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा इसका घेरा आया है, कमर से भी बहुत अच्छी शेप आई है। ये हमारी जिप लग गई है, देखिए कितना सारा हमारा घेरा आ गया है। जितना भी घेरा था ना, जो हाफ हाफ साड़ी थी तो उसमें हमने पूरे में घेरा ले लिया है। और ये हमारा गाउन रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।